और चलिए अब चलते हैं मेहंदी वाले घर में। खैर मेरे हाथों में तो मेहंदी नहीं लगी, लेकिन जब मेहंदी लगती है तो ऐसे ही तो दिखाते हैं। वेल, गेटिंग बैक टू द सीरियल, यहाँ पर तो भैया खुशियों का माहौल है एंड थैंकफुली फॉर वंस ऐसा लगता है सब कुछ खुशी खुशी से ही होगा, क्योंकि मनीषा और करण की का संगीत है और हर कोई झूम कर नाच रहा है। घर में काफी खुशी वाला माहौल है। मनीषा और करण का संगीत जो है, सारे घर वाले इस संगीत कंपटीशन का हिस्सा हैं और जमकर नाच रहे हैं। ओकेजन भी बहुत स्पेशल है, मनीषा बुआ के का संगीत कर रहे हैं हम लोग और उनकी शादी होने वाली है, सब बहुत खुश हैं। संगीत के माहौल में अब मौली और रति के बीच भी हुआ है डांस कंपटीशन और इस कंपटीशन में मौली ने रति को पछाड़ दिया है, जिसका गुस्सा रति के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ, फेस ऑफ होने वाला है क्योंकि ऐसी कुछ बातचीत हो जाती है रति और मौली के बीच जो मौली को पसंद नहीं आती, और मौली भी पहली बार जवाब देती है रति को, तो रति कुछ फैमिली से रिलेटेड ऐसा कुछ बोल जाती है जिससे मौली को लगता है कि नहीं, मैं तो डांस करूंगी। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि रति और राहुल की शादी होने वाली है और रति नहीं चाहती है कि मौली घर वालों की फेवरेट बने और सभी लोग उसे पसंद करें, तो वहीं दूसरी ओर मौली भी घर छोड़कर जाना चाहती है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने राहुल और रति को एक होते हुए नहीं देख सकती है। मौली तो घर छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो नहीं देख पाई रति और राहुल को साथ में, उनके इंगेजमेंट तक वो रुक नहीं पा रही थी। घर से रिलेटेड कुछ सीरियस मैटर होता है जिसकी वजह से राहुल जाता है, वापस उसको लेकर आता है, तो इसलिए वो शायद कुछ दिनों के लिए वापस आई है। वो शायद घर का ये मामला सुलझ जाए तो वापस चली जाएगी। इधर संगीत सेरेमनी के दौरान मनीषा के चारों भाई काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब इतनी मुश्किलों के बाद तो मनीषा और करण की शादी हो रही है और ऐसे में उनकी बहन अब इस घर को छोड़कर जाने वाली है, इसीलिए इमोशनल होना तो जायज है। सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।